सो हे गाइस, फाइनली ओप्पो रेनो S2 का फर्स्ट लुक और कंफर्म स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, सर वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला वीडियो। और इसके साथ हम इस फोन के प्राइस और अप्रोक्सीमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो गाइस सर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस फोन के बैक में आपको मिलने वाला है कूल सा क्वाड कैमरा सेटअप, और फ्रंट साइड में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंचुअल कैमरा भी मिलेगा। इसी के साथ आपको बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और दोस्तों, अदर कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, स्पीकर ग्रिल्स और आयल ब्लास्टर भी मिलेगा। अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो S2 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गैस इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके साथ आपको यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जो आपके डिस्प्ले के टच रिस्पॉन्स को और भी फास्ट बनाएगा। और गैस ये डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपको कोई भी बेजल चेन देखने को नहीं मिलने वाली है। तो गैस बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 मिलने वाला है, जो गैस स्नैपड्रैगन की सीरीज में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, और गाइस आप इसमें सारे गेम हाई सेटिंग पर खेल सकते हो बिना किसी लैग और बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। इसके साथ ये प्रोसेसर 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है, और इसके साथ ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, 8GB रैम विथ 128GB स्टोरेज और 12GB रैम विथ 256GB स्टोरेज। अगर बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो गाइस ओप्पो ने इस बार सिर्फ कैमरा का पैटर्न चेंज करा है, बाकी कैमरा के स्पेसिफिकेशन ओप्पो रेनो एस के ही है। यहाँ पर भी आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आपको 13MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस भी मिलने वाला है। और फ्रंट साइड में आपको पंचुअल कैमरा मिलेगा, जो 16MP का होगा। अब हम आते हैं इस फ़ोन के बैटरी और अदर फीचर्स पर। तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर 65W का चार्जर भी मिलेगा, जो आपके फ़ोन को 30 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। और अदर फीचर्स में आपको यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, जो ड्यूल 5G को सपोर्ट करेगा। और बेसिक फीचर्स में आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एंड्रॉयड 10.1Q और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और गाइस, ये फ़ोन इस बार 3 कलर में आने वाला है, ब्लैक, ब्लू और पर्पल। ब्लू कलर तो आप देख ही सकते हो, और पर्पल और ब्लैक कलर अभी ओप्पो ने लीक नहीं करे, पर जब भी लीक करेंगे मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो गाइस ओप्पो ने इस बार सिर्फ इस फ़ोन का डिज़ाइन चेंज करा, बाकी प्रोसेसर को छोड़ के सारे स्पेसिफिकेशन ओप्पो रेनो एस जैसे ही हैं। तो गाइस फ़ोन की प्राइस और लॉन्चिंग डेट अभी तक ओप्पो ने लीक नहीं करी है, पर यार हम सब जानते हैं कि ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ है एक फ्लैगशिप वाली सीरीज़ है, तो इसका प्राइस भी अराउंड 40,000 इंडिया में रहने वाला है। और ये फ़ोन नेक्स्ट मंथ चाइना में लॉन्च होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन आपको इंडिया में जून के मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो और फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।